दिक्कत है कि पानी नहीं मिल रहा, कुआँ सूख जाता है, दुई गो कुएँ है और चापाकल दू ठो है, चापाकल के पानी सही नहीं। चापाकल का पानी निकलता है वो बर्तन में रखने पर पीला पड़ जाता है, तो उस पानी को हम लोग नहीं यूज करते हैं पीने में। कुआँ भसल जा रहा है, बरसात से पहले कुआँ सूख जाएगा, भर जाएगा। अगर एक कुआँ भर जाएगा तो आप कहाँ से पानी लाइएगा? एक कुआँ भर जाएगा तो जाएगा दूसरा बस्ती पर आरोपुर लाने के लिए। यह वीडियो मैं जुलाई 2014 में बनाया और बना के मुखिया को दिखाया और कई बार मुखिया से भी मिला, लेकिन इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। यह करीब 2 साल हो चुका है। तो मुखिया जी यहाँ आए तो क्या बोले? मुखिया जी तो कह के दिया हम बांधेगा, बांध दिया, बांधते बांधते देखिए एक सिलनवा से वहाँ दिया, एगो वहाँ दिया, एगो वहाँ दिया, कि चाहे उतरा भी बन गया, कुंजा भी बना गया, आइए वो कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से यहाँ पर गांव के लोगों से चंदा करवाया और गांव के ग्रामीणों ने चंदा करके यहाँ के कुआं को मरम्मत किया और लोग यहाँ के पानी आज कुआं से ही पी रहे हैं। सरकार एक कुआं दू गो दिया तो पहले के कुआं सब भस गया, हम लोग के घर में तकलीफ हो रहा था पानी के। तो हम लोग महिला लोग बनाए हैं सब मिल के कुआं, बिहरी छाट के यहीं पानी पीने के कोई व्यवस्था न हम लोग। तो चंदा आप लोग कितना कितना किए? चंदा किए हैं 100-100 रुपया घर पीछे। कुआं बनाने में कितना पैसा लगा? कुआं बनाने में 3000 रुपया लगे सर। तो ये सारा पैसा हो गया? पैसा तो हाँ पैसा हो गया है जमा, कुआं भी बन गया है। अगर आपके गांव में संगठन रहेगा तो आप संगठन का फायदा उठा सकते हैं। मैं अमित कुमार गया, जिला बिहार से, इंडियन हट के लिए।